Hello everyone, welcome to my channel once again, Milestones in Biology. Let's start with today's video. Today I am continuing with my previous video about fingerprinting. In previous video, I have taught you about the principle and the introductory part of fingerprinting. Now, in this video, we are going to discuss in detail about the steps involved in DNA fingerprinting. Fine. So first thing is that I have used the term VNTR in previous video. VNTR is variable number tandem repeat. Means, आपको क्या करना है कि किसी भी individual के VNTR का number हमें analyze करना होता है. Let's talk about it. So, VNTR belongs to mini satellite. Mini satellite में जो एक repeating units होती है, उसकी जो length है, वो 10 to 60 बेस पेयर्स जितनी होती है, ठीक है? अब ये जो VNTR है, ये एक बहुत बड़ा सीक्वेंस है, जिसमें एक पर्टिकुलर DNA स्ट्रेच है, जो रिपीट हो रहा है, किसी में 3 बार, किसी में 15 बार, किसी में 20 बार. तो what is VNTR here? VNTR is a DNA sequence. In that this is 1, 2, 3, 4, 5. This is A, T, T, G. Fine? This is a short sequence of DNA which is repeated here 5 times. And this is the VNTR. Variable number tandem repeat. So, hume ye jo numbers hai, har individual mein alag alag hota hai. Kisi individual mein ye 5 bar repeat ho raha hai. Kisi individual mein ये 10 बार रिपीट हो रहा है और किसी में 15 बार रिपीट हो रहा है. सो दिस सीक्वेंस इज वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट. अगेन आई एम टेलिंग यू, हमें क्या करना है, VNTR को फाइंड आउट करना है. VNTR में रिपीटिंग यूनिट्स होती है. दिस इज वन VNTR जिसमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है वो 5 बार रिपीट हो रहा है. वैसे ही किसी सेकंड इंडिविजुअल में वो 10 बार रिपीट होगा, किसी में 15 बार रिपीट होगा, और हमको ये फाइंड आउट करना है कि कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है? सो कॉपी नंबर वेरीज फ्रॉम क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम. तो ये ए टी टी जी है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट क्रोमोसोम नंबर 1. क्रोमोसोम नंबर 1 में ये जो सीक्वेंस है ये 5 बार रिपीट हो रहा है. क्रोमोसोम नंबर 2 में यही सीक्वेंस, लेट मी ड्रॉ इट, यही सीक्वेंस 3 बार रिपीट हो रहा है. फाइन. एंड क्रोमोसोम नंबर, सपोज क्रोमोसोम नंबर 5 लेते हैं, क्रोमोसोम नंबर 5 में यही यूनिट जो है वो 6 बार रिपीट हो रही है. सो होप यू गॉट एन आइडिया कि हम बात क्या कर रहे हैं, ठीक है? तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये रिपीटिंग यूनिट ए टी टी जी क्रोमोसोम नंबर 1 पे 5 बार, 2 पे 3 बार और 5 पे 6 टाइम रिपीट हो रही है. तो क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम भी इनका नंबर चेंज होता है, प्लस इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी इसका नंबर चेंज होता है. अगर ये इंडिविजुअल 1 के क्रोमोसोम में एक बार रिपीट हो रहा है, ये इंडिविजुअल 2 है. फाइन. इंडिविजुअल 2, इंडिविजुअल 2 के क्रोमोसोम में ये 6 बार रिपीट हो रहा है. इंडिविजुअल 2 के क्रोमोसोम 2 पे ये 8 बार रिपीट हो रहा है. यहां पे तो 3 बार हो रहा था, यहां पे इस इंडिविजुअल में 8 बार हो रहा है. क्रोमोसोम नंबर 5 पे ये यूनिट 6 बार रिपीट हो रही है और इस इंडिविजुअल में ये 15 बार रिपीट हो रही है. तो एक ही सेल के, एक ही इंडिविजुअल के क्रोमोसोम में भी ये नंबर वेरिएशन दिखाता है, प्लस इंडिविजुअल में भी ये वेरिएशन दिखाता है. दिस इज द प्रिंसिपल और यही चीज हमें फाइंड आउट करनी है. सो कॉपी नंबर वेरीज फ्रॉम क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम. आई हैव टॉट यू दैट नंबर ऑफ रिपीट्स शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. ये जो नंबर ऑफ रिपीट्स है ये सब में अलग अलग है. पॉलीमॉर्फिज्म मतलब पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स.
इट इज शोइंग मेनी डिफरेंट फॉर्म्स. मेनी डिफरेंट फॉर्म्स मतलब 5 बार इधर, 3 बार इधर, 6 बार इधर. दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म. नाउ इन योर टेक्स्ट बुक इट इज मेंशन दैट द साइज ऑफ VNTR इज पॉइंट, दिस इज पॉइंट, फाइन, 0.1 KB to 20 KB. 0.1 KB का मतलब होता है 100 base pair to 20,000 base pair. मतलब ये जो VNTR है, इस VNTR में कितने बेस पेयर्स होंगे? सपोज जैसे ये यहाँ पे मैंने 1, 2, 3, 4 4 5 20, तो इसका ये मतलब है कि ये जो साइज है ये 100 से 20,000 बेस पेयर्स जितना हो सकता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द स्टेप्स. स्टेप्स में, अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन करना भूल गई, दैट यू हैव टू रिमेम्बर 1 KB इज 1000 बेस पेयर. स्टेप्स इज, अगर आपको कोई सेल मिला, उस सेल के साथ आप कैसे प्रोसीड करेंगे DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए? तो सबसे पहले आपको जो सेल मिला, उस सेल में प्रोटीन भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी है, RNA भी है, बहुत सारे लिपिड भी है, देर आर मेनी बायोमोलिक्यूल्स. सो फ्रॉम ऑल दोज बायोमोलिक्यूल वी हैव टू सेपरेट DNA. तो आप क्या कर सकते हैं, आप प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएजेस ऐड कर दो, कार्बोहाइड्रेट के लिए कार्बोहाइड्रेजेस ऐड कर दो. इन शॉर्ट यू हैव टू यूज हाइड्रोलेजेस एंजाइम. ये एंजाइम क्या करेगा, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं एक्सेप्ट DNA, आपको DNAs यूज नहीं करना है, तो वो सारे जो बायोमोलिक्यूल एक्सेप्ट DNA, एवरीथिंग विल बी डाइजेस्टेड. नाउ DNA हमने आइसोलेट कर लिया. नाउ इन अ टेस्ट ट्यूब यू आर जस्ट हैविंग द DNA पार्ट. नाउ यू हैव टू, व्हेन यू आर हैविंग दिस DNA, नाउ इन दिस DNA यू हैव टू यूज रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, restriction endonuclease, biological scissor. What it will do, it will cut the DNA in small segments at a particular site. वो एक particular sequence को recognize करता है और recognize करके उन्हें specific sites पे cut कर देगा. तो हमने जो endonuclease लिया है, हमने वो endonuclease को बोला है कि भाई तो यही सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर और वहीं पे कट मार. तो जहां जहां ये सीक्वेंस होंगे DNA में, वो वहां वहां पे कट कर देगा. फाइन, सो डाइजेशन ऑफ DNA बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इट इज हैपनिंग इन अ टेस्ट ट्यूब. ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैसे कट करता है, व्हाट इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन 11th चैप्टर. नाउ नेक्स्ट स्टेप, कट तो कर दिया टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में आपको थोड़ा ना पीसेस दिख रहे हैं. नाउ यू हैव टू सेपरेट ऑल द पीसेस ऑफ DNA विच इज देयर इन द टेस्ट ट्यूब. सो आप क्या करेंगे, एक नया टेक्नोलॉजी है, दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. इसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए क्या होगा, यू हैव टू टेक अ ट्रे, ऐसा एक ट्रे होगा, उस ट्रे के अंदर जेल होगा, एग्रोस जेल होगा, फाइन, और उस जेल में इस तरीके से वेल्स बने होते हैं. वेल्स मतलब देयर विल बी अ होल इन दोज जेल्स एट दिस पर्टिकुलर एरिया. तो अब आपको क्या करना है, ये जो भी टेस्ट ट्यूब में मिक्सचर है यू हैव टू ऐड इन दीज वेल्स. आपने इस वेल में ये जितना भी आपका DNA है वो सब आपने ऐड कर दिया. अब आपको पता है DNA जो है वो नेगेटिवली चार्ज है और उसके ऑपोजिट साइड में इलेक्ट्रोड होगा विच इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इट इज कनेक्टेड विद सम, ठीक है, आपने इसको करंट दिया है. नाउ व्हाट विल हैपन इन द ट्रे, इट इज मार्केटेड लाइक 60,000 बेस पेयर्स और 50,000 बेस पेयर, 500 बेस पेयर, 100 बेस पेयर, 10 बेस पेयर, ऐसे करके देयर आर मार्किंग. Now what will happen when you will start, you will give the current to this device, this DNA fragments will start running on the gel because यहाँ पे positive charge है और DNA जो होते हैं वो negatively charged होते हैं.
तो जो हैवी फ्रेगमेंट्स हैं दे विल बी बिहाइंड हियर, ठीक है, हैवी फ्रेगमेंट्स जो हैं वो इस तरीके से रह जाएंगे और जो छोटे छोटे सेगमेंट हैं दे विल कम लाइक दिस, फाइन। इसको बोलते हैं रनिंग, डीएनए विल बी, डीएनए फ्रेगमेंट्स आर रनिंग ऑन दैट जेल, तो छोटे छोटे जो हैं सेगमेंट्स दे विल कम नियर हियर एंड जो बड़े बड़े सेगमेंट्स हैं सपोज ये 55,000 बेस पेयर्स का है, ये 700 बेस पेयर्स का है, ये 300 बेस पेयर का है, ये 200 बेस पेयर का है। लाइकवाइज डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है ये सेपरेट हो गए, जो हमको टेस्ट ट्यूब में ऐसे मिक्सचर दिख रहा था, नाउ यू गॉट सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स। व्हाट आई विल डू नाउ इज, सो व्हाट यू विल सी हियर दैट दिस इज द एग्रोज जेल, ये एग्रोज जेल है। नाउ व्हाट आई हैव टू टेक, आई कैन नॉट वर्क ऑन दिस एग्रोज जेल और मुझे इनके नंबर्स काउंट करने हैं, सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक अ शीट, फाइन, आई विल टेक अ नाइट्रोसेल्युलोज शीट एंड आई विल पुट इट ऑन द एग्रोज जेल। हम इस तरीके से एग्रोज जेल लेते हैं और उस एग्रोज जेल के ऊपर नाइट्रोसेल्युलोज की शीट पे हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को ले लेंगे। सो हियर ऑन दिस शीट नाउ आई एम हैविंग दीज फ्रेगमेंट्स, ये जो फ्रेगमेंट्स है अब नाइट्रोसेल्युलोज शीट पर आ गए हैं। सो यू सी हियर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड देन ट्रांसफर टू द सेल्युलोज शीट। अब होगा क्या, लेट मी मेक इट शीट ओनली, ये सपोज नाइट्रोसेल्युलोज शीट है, दिस इज नाइट्रोसेल्युलोज शीट, फाइन। अब नाइट्रोसेल्युलोज शीट है, जैसे ही शीट पे आपने जो डीएनए लिया है दोज डीएनए आर डबल स्टैंडर्ड, डोंट फॉरगेट दैट, ठीक है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। हमें इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में चेंज करना है, सो व्हाट विल हैपन हियर, नाउ द डीएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड, फाइन, द डीएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड नाउ। अब आया हमारा मेन काम, मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने रिपीटिंग यूनिट्स हैं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ VNTR दिख रहे हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं। इफ यू रिमेम्बर, मैं इंक्रीज कर देती हूँ इसको, ATTGGCCAT, ये रिपीटिंग यूनिट्स हैं जो आपको देखने हैं। इसमें कितने बेस पेयर्स हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, फाइन, 11 बेस पेयर्स आर देयर। तो यहाँ पे ये 11 बेस पेयर्स होंगे, अब ये 11 बेस पेयर कहाँ कहाँ पे और कितने अमाउंट में है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए ये सारा जो डीएनए है उसको आपने सिंगल स्टैंडर्ड कर दिया, नाउ यू हैव टू ऑप्ट फॉर अ VNTR प्रोब, लेबल्ड VNTR प्रोब। लेबल्ड VNTR प्रोब मतलब वहां पे आपने कुछ रेडियो एक्टिव कॉम्पोनेंट यूज किया है और ये जो प्रोब है VNTR का प्रोब है, ए के ऑपोजिट टी, टी के ऑपोजिट ए, ए के ऑपोजिट टी, ए ए सी सी जी जी टी एंड ए, ये हो गया VNTR, लेबल VNTR प्रोब। ये हमारे पास लैबोरेटरी में है और ये वाला जो पार्ट है दिस पार्ट इज देयर ऑन द शीट। अब हमने ये क्या किया, जो प्रोब था VNTR प्रोब, दिस इज VNTR प्रोब एंड इट इज लेबल्ड। अब आपने ये जो VNTR प्रोब है इसको यहां पे स्पिल कर दिया, आपने इसके ऊपर डाल दिया, जहां जहां पे भी ये यूनिट है वहां वहां जाके ये बॉन्डिंग कर लेंगे। ऑब्वियसली ना कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स हैं, सो देयर इट इज गोइंग टू गो एंड मेक अ बॉन्ड, फाइन, इस तरीके से वो बॉन्डिंग हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्यों, क्योंकि ये दूसरा डीएनए है और ये प्रोब है, सो दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल VNTR प्रोब। अब मुझे कुछ शीट पे दिख नहीं रहा है, यू हैव टू पुट
इट अंडर ऑटो रेडियोग्राफी, आपको इसको रेडिएट करना पड़ेगा, आपको इस पे रेडिएशंस डालने पड़ेंगे, एंड इन प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन दीज रिपीटिंग यूनिट विल ग्लो, ठीक है, वो फ्लोरोसेंट कलर देंगे. तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो रिपीटिंग यूनिट है ये एक बार रिपीट हुआ, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, यहाँ पे एक दो तीन चार, यहाँ पे एक दो तीन, यहाँ पे एक दो तीन, यहाँ पे एक दो तीन चार, मतलब ये जो पूरा सीक्वेंस है यहाँ पे चार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे तीन बार, यहाँ पे चार और यहाँ पे पांच. ये कब पता चला? जब हमने इसको रेडिएट किया ऑटो रेडियोग्राफी में. सो वी गॉट डेटा ओवर हियर. नाउ लेट मी शो यू विद अ डायग्राम सो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. सो अंडरस्टूड दिस? आपने पहले डीएनए आइसोलेट किया, आइसोलेट करने के लिए आपने सेल के अंदर इतने सारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं सबको डाइजेस्ट किया. उसके बाद आपके पास सिर्फ डीएनए था. अब डीएनए को यू हैव टू कट इट इनटू पीसेस, फ्रेगमेंट्स में कट करना है. तो आपके पास सीजर है, बायोलॉजिकल सीजर, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस विच इज़ वेरी स्पेसिफिक, वो एक पर्टिकुलर जगह पे ही जाके कट करने वाला है. नाउ सेपरेट होगा डीएनए फ्रेगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है. तो आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू सारे जो टेस्ट ट्यूब में मिक्सचर था उन सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग कर दिया. नाउ यू विल ट्रांसफर दैट फ्रेगमेंट्स ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए ऑन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑन अ नाइट्रोसेल्युलोस शीट. उस शीट पे आपने डीएनए को डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड किया और फिर आपने लेबल वीएंट या प्रोब डाला जिसके वजह से दे मेड अ बॉन्ड, एक हाइब्रिडाइजेशन बना और हाइब्रिडाइजेशन को रेडिएट करने पे यू केम टू नो अबाउट द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स. दिस इज व्हाट द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डायग्राम. फाइन, दिस इज द शीट वी गॉट. इस शीट में इंडिविजुअल ए, इंडिविजुअल बी एंड इंडिविजुअल सी आई हैव ऑलरेडी मेड इट. You can see here, these are the three nitrocellulose sheet. ये individual A है, ये B है और ये C है. So, हमको जो crime scene था, वहाँ से जो cell मिला, उस cell से हमने ये nitrocellulose sheet बनाई है. Now, we have to see whether it belongs to individual A or to individual B. तो ये जो हमें criminal scene पे मिला है, crime scene पे मिला है, ये क्रिमिनल का जो सेल है वो क्रिमिनल ए है या बी है, वी हैव टू मैच दैट. सो यू सी यहाँ पे नाइट्रोसेल्युलोस शीट पे ये 1, 2, 3, 4, 12 तक नंबर ऑफ बेस पेयर्स लिखा हुआ है एंड हमने यहाँ पे तीन क्रोमोसोम लिए, क्रोमोसोम नंबर 7, 2 एंड 16. तीनों इंडिविजुअल का हमने ये तीन क्रोमोसोम्स लिए हैं. तो पहले हम क्रोमोसोम नंबर 7 की बात करते हैं इंडिविजुअल ए की. वहां पे जो रिपीटिंग यूनिट्स है वो 4 times रिपीट हो रहा है और 3 times. सो यू सी 4 times and 3 times रिपीट हो रहा है इंडिविजुअल ए में. सेम इंडिविजुअल बी का 7 क्रोमोसोम जो है उसमें रिपीटिंग यूनिट जो है वो 7 क्रोमोसोम में 11 रिपीटिंग यूनिट्स है एंड 9 रिपीटिंग यूनिट्स है. और इंडिविजुअल सी में भी क्रोमोसोम 7 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 वो एक पर्टिकुलर यूनिट 11 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है. एंड दूसरे वाले क्रोमोसोम पे इट इज रिपीटिंग 9 times, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. सो 11 and 9 times, यू कैन सी हियर 11 and 9 times. अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर 2 की. क्रोमोसोम नंबर 2 में ए इंडिविजुअल के कितने रिपीटिंग यूनिट्स हैं? हम एक ही रिपीटिंग यूनिट्स की बात कर रहे हैं, ए टी टी जी जी सी ए टी, ये एक रिपीटिंग यूनिट है. ये रिपीटिंग यूनिट सारे क्रोमोसोम पे हमको मेजर करना है. सो ये वाला रिपीटिंग यूनिट जब हम क्रोमोसोम 7 की बात करते हैं तो यहाँ पे कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 11, यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 11, यहाँ पे 9. अब ये रिपीटिंग यूनिट्स की बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर 2 इंडिविजुअल ए. तो यहाँ पे ये 8 times रिपीट हो रहा है, ये 7 times रिपीट हो रहा है. इंडिविजुअल बी में ये 8 times रिपीट हो रहा है और ये 6 times रिपीट हो रहा है. इंडिविजुअल सी में ये 8 times हो रहा है और ये 6 times
हो रहा है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्रोमोसोम. इंडिविजुअल ए के क्रोमोसोम 16 पे ये जो यूनिट है ये 10 टाइम एंड 5 टाइम रिपीट हो रहा है. इंडिविजुअल बी में ये 16 क्रोमोसोम पे 5 टाइम एंड 2 टाइम रिपीट हो रहा है, और ये जो सी है ये भी 5 टाइम एंड 2 टाइम रिपीट हो रहा है. सो यहाँ पे जो इंडिविजुअल सी है और जो इंडिविजुअल बी है इन दोनों में ही सिमिलैरिटी दिख रही है. मींस दिस इंडिविजुअल इज आइदर बी, ये जो क्रिमिनल है, या फिर बी है, या बी की फैमिली को बिलोंग करने वाला है. इससे हम दो चीज पता कर सकते हैं, आइदर दिस क्रिमिनल इज बी ओनली, ये वाला क्रिमिनल यही इंडिविजुअल है, या फिर इसकी फैमिली को बिलोंग करने वाला कोई इंडिविजुअल है. तो हमने ये कैसे पता किया? बाय काउंटिंग द रिपीटिंग यूनिट्स. दिस इज व्हाट इज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स देखते हैं. एक पर्टिकुलर सीक्वेंस एक इंडिविजुअल के एक क्रोमोसोम में कितनी बार रिपीट हो रहा है एज कंपेयर टू द अदर इंडिविजुअल. सो दिस इज ऑल अबाउट डीएनए. फाइन, जस्ट रिमेंबर द स्टेप्स. This is the important one, important step. You will easily understand. If you will watch this video thoroughly, इससे पहले वाला और ये वाला video अच्छे से देखेंगे तो आपको पूरा sequence वापस से याद हो जाएगा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा. So see you in my next video with a very new chapter. Till then, keep learning, be safe and take care. Goodbye.